मॉर्निंग सिक्स क्लास, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? मैंने आपको चैप्टर सिक्स स्टार्ट करा दिया था, चेंजेस अराउंड, तो इसके मैंने आपको कीवर्ड्स करा दिए थे। अब हम लेसन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन। एवरीथिंग इन आवर एनवायरनमेंट एवरी सेकेंड इज अंडर गोइंग ए चेंज। हमारे चारों तरफ एनवायरनमेंट में हर सेकेंड में कोई ना कोई चेंज होता रहता है। देर आर सम चेंजेज गोइंग ऑन इन द एनवायरनमेंट विच मे नॉट बी फिजिकली विजिबल टू अस बट प्रैक्टिकली इवन वैन वी मूव वन फिंगर होल आवर ऑफ यूनिवर्स इज चेंज्ड। कई ऐसे एनवायरनमेंट में चेंजेज होते हैं जो हमें फिजिकली विजिबल नहीं होते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली हम उन्हें देख सकते हैं। ठीक है, देर आर न्यूमरस नंबर एट चेंज गोइंग अराउंड अस। हमारे चारों तरफ कई सारे चेंजेज होते हैं। द बर्ड्स ग्रो इन टू फ्लावर एंड फ्लावर्स डेवलप इन टू फ्रूट। जैसे बर्ड फ्लावर में चेंज होती है, फ्लावर फ्रूट में चेंज होता है। इफ़ यू लुक इन टू द स्काई इट लुक इफ इट इज़ द सेम स्काई यू हैव सीन बींग बट एक्चुअली द स्काई इज ऑलवेज चेंजिंग। तुम स्काई में देखते हो लेकिन हमें तो हमेशा एक जैसी लगती है, लेकिन इसमें भी चेंजेज होते रहते हैं। नई गैलेक्सियाँ बनती रहती हैं, ब्लैक होल वगैरह, प्लैनेट्स कॉलेप्सिंग टकराते रहते हैं, स्टार्स आर, ठीक है, और कई चेंजेज होते हैं हमारे यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में। चेंजेस अराउंड अस, वी कैन सी ए लार्ज नंबर ऑफ चेंज अराउंड अस। मिल्क कैन बी बॉइल्ड इन द गैस स्टोव। जब हम मिल्क को बॉयल करते हैं तो क्या चेंज होता है? द अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट वुड बी इवोपरेटिंग ऑफ हीट। गर्म करते हैं तो वाटर इवोपरेट होता है। मिल्क इज जनरली केप्ड सो एज टू चेंज इट इन टू द कर्ड। जैसे मिल्क को हम चेंज कर लेते हैं कर्ड में। ए गुड रेसिपी मस्ट हैव बीन कुकड इन द किचन इन द हाउस एंड आउटसाइड द आयरन। थिंग्स मस्ट बी गेटिंग रस्टेड ऑटोमेटिकली। जैसे खाना बनाते हैं तो चेंज होता है, क्योंकि कच्चा तो अलग लगता है, जब उसको कुकड कर लेते हैं तो अलग टेस्ट का होता है। ऐसे ही हमारे घर के बाहर आयरन की कोई भी चीज़ें होती है तो अपने आप उनमें रस्टिंग लग जाती है, जंग लग जाता है। इफ़ यू गो इन साइड आवर गार्डन वी वुड फाइंड फ्रूट्स माइट बी कमिंग आउट। हम गार्डन में जाते हैं तो हम वहाँ पर कई सारे फ्रूट्स वगैरह देखते हैं, ठीक है, और फ्लावर्स जो बर्ड से खिलती है निकलती है। देयर कैन बी फॉलन लीव्स ऑन द और पत्तियाँ गिरती है ग्राउंड में विच आर सम टाइम बैक पार्ट ऑफ बर्ड्स ट्रीज बट नाउ दे माइट हैव गोन ड्राई टर्नड ब्राउन। ठीक है, ये सब चेंज होते रहते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ चेंज, तो हम इनका क्लासिफिकेशन चेंज करते हैं कि चेंजेस कितने टाइप के होते हैं। यू हैव लर्न हाउ टू क्लासीफाई थिंग्स द प्रीवियस चैप्टर। कैन यू थिंक ऑफ द वेज यू कैन क्लासीफाई द चेंजेस? हैव यू एवर थॉट वेदर ऑल द चेंजेस आर ऑफ द सेम टाइप ऑफ डिफरेंट टाइप्स? ठीक है, obviously you will say that all the changes are not the same kind. सभी चेंज एक जैसे नहीं होते हैं, ठीक है। some changes are slow and some are fast. कुछ चेंज धीरे होते हैं, कुछ तेज होते हैं। some are desirable, some are undesirable. कुछ जो हमें चाहिए हैं changes, कुछ हमें नहीं चाहिए होते हैं। some are periodic और some are non periodic. some are reversible, some are non reversible. some are physical, some are change. तो इतने सारे changes होते हैं, तो हम इनको one by one करके study करेंगे। तो सबसे चेंज है स्लो एंड फास्ट चेंज। नाम से पता चल रहा है कोई ऐसा चेंज होता है जो जिसको होने में बहुत धीरे धीरे होता है चेंज, और कई प्रकार के चेंज ऐसे होते हैं जो बहुत जल्दी हो जाते हैं। सम चेंज टेक लॉन्ग टाइम टू अकर व्हेन एज सम हैपन वेरी फास्ट। कुछ को तो टाइम लगता है बहुत, और कुछ को बहुत कम टाइम लगता है। फॉर एग्जाम्पल रस्टिंग ऑफ आयरन इज़ ए स्लो चेंज वेर इज़ बर्निंग ऑफ पेपर इज़ फास्ट। जैसे आयरन में रस्टिंग लगना बहुत स्लो चेंज है, धीरे धीरे जंग लगेगा, जबकि पेपर को अगर जलाएंगे तो वो फास्ट चेंज होगा। ऐसे ही चेंजिंग ऑफ मिल्क इनटू कर्ड इज़ ए स्लो चेंज। ऑन द अदर हैंड लाइटिंग ऑफ बल्ब इज़ ए फास्ट चेंज। जैसे मिल्क से कर्ड बनाना स्लो चेंज है, जबकि लाइटनिंग बल्ब में लाइट करना फास्ट चेंज है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे एक एक्टिविटी भी कर रखी है मिल्क से कर्ड बनाने की। तो हेड ट्वेंटी थोड़ी ना बन जाता है मिल्क से, हम पूरी रात रखते हैं उसे 6 से 7 घंटे, जब जाके मिल्क से कर्ड बनता है। ठीक है, सेकंड है डिज़ायरेबल और अनडिज़ायरेबल चेंजेज। वी मे विश सम चेंजेस टू अकर एंड वी मे नॉट विश सम अदर चेंजेस टू अकर। कुछ को तो हम चाहते हैं कि चेंज हो, कुछ को हम चाहते हैं कि वो चेंज नहीं हो। सम चेंज लाइक राइपिंग ऑफ फ्रूट्स, जैसे हम ये सब चाहते हैं, जैसे फ्रूट्स का पकना, कुकिंग ऑफ फूड एक्सेट्रा आर कैटराइज एज डिज़ायरेबल वेदर वेहर। इन द अदर हैंड ब्लास्टिंग ऑफ बम, जैसे बम ब्लास्ट होना, रोटिंग ऑफ एग्स, एग का सड़ना, स्पॉइलिंग ऑफ फूड, फूड का खराब होना, ये अनडिज़ायरेबल चेंज है। ठीक है,
जैसे इसमें ये एक्टिविटी कर रखी है कि टेक ए फुटबॉल विच डज़ नॉट हैव ए सफिशियंट, एक बॉल है जिसमें एयर नहीं है, यू विल सी डैट यू कैन नॉट प्ले विद, तो तुम इस बॉल से नहीं खेल सकते हो। तो इसमें क्या करनी पड़ेगी, इसमें बॉल में हवा भरनी पड़ेगी। तो देखो यहाँ पे इसमें हवा भर रहे हैं जिससे इसमें अंदर, जिससे फुटबॉल का वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा और इसमें अंदर चल जाएगी। इट बाउंसेज वन ड्रॉप्ड ऑन द ग्राउंड, और ये बॉल ग्राउंड पे डालेंगे तो बाउंस हुएगी, टकराएगी। दिस चेंज इज क्विक एंड डिज़ायरेबल, तो ये चेंज कैसा होगा, क्विक और डिज़ायरेबल। ऐसे ही पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक चेंज होते हैं। द चेंज डेट अकर आफ्टर ए फिक्स टाइम इंटरवल एट टर्म इज पीरियोडिक चेंज, जो फिक्स टाइम इंटरवल के बाद में अपने आप को रिपीट करते हैं वो पीरियोडिक चेंज होते हैं। जैसे बीटिंग ऑफ हार्ट, चेंजिंग ऑफ सीजन, फॉर्मेशन ऑफ डे एंड नाइट, स्विंगिंग ऑफ ए क्लॉक, पेंडुलम एक्सेट्रा, ये सब एक फिक्स इंटरवल के बाद में अपने आप को रिपीट करते हैं, ठीक है। ये सब जैसे चेंज मौसम आते हैं, सर्दी के बाद गर्मी, गर्मी के बाद में बरसात, फिर वापस चेंज हो, वैसे के वैसे ही, ऐसे ही हार्ट बीट, ऐसे डे और नाइट, ठीक है। नॉन पीरियोडिक चेंज ये फिक्स टाइम इंटरवल के बाद में नहीं होते हैं। दे मे हैपन इन वेनी इन वे जस्ट एज फॉलिंग ऑफ लीव्स फ्रॉम ए ट्री, अर्थक्वेक, साइक्लोन, ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रेन, ये सब फिक्स इंटरवल के बाद में नहीं होते हैं। जैसे फॉलिंग ऑफ लीव्स, जैसे हवा चलेगी तो गिरेंगी, अर्थक्वेक भी कभी कभी आते हैं, साइक्लोन वगैरह भी, ठीक है। यहाँ पे ये देखो एक कैंडल हमने ली है, ठीक है, कैंडल ली है, इसका वेट ले लेंगे हम और इसको फिर हम क्या करेंगे, बर्न करेंगे। क्या हो गया सब, तो बर्न करने से क्या होगा, इसका कुछ पार्ट मेल्ट हो जाएगा और इसका दोबारा वेट लेंगे हम। तो हमने क्या देखा, इसका वेट क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। क्यों, क्योंकि वैक्स वाज बर्निंग हैज चेंजेज इन टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड हीट, दस द चेंज कैन नॉट बी रिवर्स, ठीक है। तो वैक्स क्या हो गई, बर्न हो गई, इसका कुछ पार्ट कार्बन डाइऑक्साइड और हीट में चेंज हो गया, तो इस प्रकार के चेंज रिवर्स नहीं हो सकते हैं। दस वी सी डेट द चेंज में और मे नॉट बी रिवर्स बैक और द ओरिजिनल प्रोडक्ट, द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ चेंज, वी कैन क्लासीफाई देम इन टू टू ग्रुप्स। अब हम कोई चेंज वापस रिवर्सिबल हो सकता है, वापस हम उसको ओरिजिनल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, इसके बेसिस पे इसको टू ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंजेस, ठीक है। रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंज, ए चेंज विच कैन बी रिवर्स बाय अप्लाइंग फिजिकल मेथड ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इज टर्म एज ए रिवर्सिबल चेंज, वह चेंज जिसमें हम फिजिकल मेथड अप्लाई करके, जैसे टेम्परेचर प्रेशर करके हम, ये रिवर्सिबल चेंज होते हैं। जैसे चेंजिंग ऑफ वाटर इंटू आइस, जैसे वाटर को आइस में चेंज करना और वापस मेल्ट करके वाटर में चेंज करना, ऐसे ही वाटर को हीट करके वेपर में चेंज करना और वेपर को वापस हम कंडेंसेशन कर वाटर में चेंज करना, ये सब रिवर्सिबल चेंज है। इफ़ यू वी टेक स्मॉल अमाउंट ऑफ डव एंड टर्न इनटू ए रोटी, जैसे हम आटा गूंथते हैं तो उसको हम रोटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, फिर वापस हम उसको, इट इज़ ए रिवर्सिबल, हम वापस डव को जब तक हम पकाते नहीं है तो वापस हम रोटी को वापस आटे में बदल सकते हैं, जब तक भी कुक नहीं कर लेते हैं। ऑन द अदर हैंड ए चेंज इन विच द सब्सटेंस आफ्टर द चेंज कैन नॉट बी रिवर्स बैक टू द ओरिजिनल सब्सटेंस इज कॉल्ड एन इरिवर्सिबल चेंज, वह चेंज जिसमें सब्सटेंस को हम वापस रिवर्स नहीं कर सकते ओरिजिनल सब्सटेंस में, वह इरिवर्सिबल चेंज होते हैं। जैसे हमने एक एप्पल को कट कर लिया, ओपन एयर में रख दिया तो वो ब्राउन हो जाएगी, तो हमने वापस इस ब्राउन एप्पल को हम उसको ओरिजिनल इसकी शेप में नहीं ला सकते हैं। वी कैन नॉट मेक एप्पल वाइट अगेन इन एनी फिजिकल मेथड्स, हम वापस उसको वाइट नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही बर्निंग पेपर में ऐश बन जाती है, इट कैन बी रिवर्स द चेंज, वापस हम ऐश से पेपर को नहीं बना सकते। ऐसे ही वैक्स की कैंडल को हम वापस, कैंडल कैन नॉट बी ब्रॉट बैक, इन दिस केस द चेंजेस आर irreversible as the previous substance cannot be obtained, ठीक है। ऐसे ही है physical and chemical change, physical change is a change in which physical properties of a substance may get altered but its chemical composition remain the same, physical change वह change होते हैं जिसमें किसी भी substance की physical property तो वैसे की वैसी रहती है, physical properties change होती है only chemical properties same रहती है, ठीक है। जैसे फिजिकल चेंज, नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म, इसमें कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बनता, मतलब ये रिवर्सिबल चेंज है। फॉर एग्जांपल मेल्टिंग ऑफ आइस चेंजेस इनटू
वाटर, फिजिकल चेंज है ये मेल्टिंग ऑफ आइस, ठीक है, हम वापस इसको रिवर्स कर सकते हैं, ऐसे ही है स्टेट ऑफ वाटर बट नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, नया सब्सटेंस नहीं बन रहा, दिस पर्टिकुलर फिजिकल चेंज इज टेम्परेरी इन नेचर एंड रिवर्सिबल, ग्राइंडिंग ऑफ वीट इनटू फ्लोर, चेंजिंग ऑफ वुड इनटू सारडस्ट एक्सेप्ट्रा द एग्जांपल इन विच दो द चेंजेस फिजिकली, इसमें जैसे हम फ्लोर बट स्टिल दे आर परमानेंट एंड इरिवर्सिबल, लेकिन ये कैसे हैं, परमानेंट हैं और इरिवर्सिबल है, ठीक है। केमिकल चेंज ऑन द अदर हैंड आर ऑलवेज परमानेंट और इरिवर्सिबल, केमिकल चेंज कैन नॉट बी रिवर्स्ड अनटिल अनलेस केमिकल मेथड आर यूज इन दिस चेंज ऑलवेज न्यू सब्सटेंस आर फॉर फॉर एग्जाम्पल बर्निंग ऑफ वुड इज ए केमिकल चेंज एज वुड हैज़ नाउ टर्नड इंटू स्मोक एश एंड कार्बन डाइऑक्साइड, कर्ड ऑफ मिल्क इज अगेन केमिकल चेंज, इज कर्ड कैन नॉट टू बी रिवर्स टू गेट बैक मिल्क अगेन, जैसे मिल्क से कर्ड बनना, लकड़ी को जलाने से ऐश स्मोक कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, इसे वापस हम इसके ओरिजिनल सब्सटेंस में नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये केमिकल चेंज हुए, जबकि ऊपर अपन ने पढ़ा था ये ग्राइंडिंग ऑफ वीट इंटू फ्लोर, चेंजिंग ऑफ वुड इंटू सारडस्ट, ये सब चेंज कैसे हैं फिजिकल, क्योंकि इसमें न्यू सब्सटेंस नहीं बन रहा है, ठीक है। अब बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में कल पढ़ेंगे, थैंक यू।